आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में काफ़ी अरसे से एनकाउंटर किलिंग के केसेस आते रहे हैं, जिनमें से कुछ केसेस पर फेक एनकाउंटर होने का भी इल्ज़ाम लगा है। देश के बहुत चर्चित एनकाउंटर केसेस में से कुछ नाम हैं: इरशद जहां केस, सुहराबुद्दीन शेख, लखन भैया, मान्या सुरवे, तुलसीराम प्रजापति, या फिर कुछ समय पहले हुआ ही हैदराबाद एनकाउंटर केस। और इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, कानपुर देहात के हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर और पॉलिटिशियन विकास दुबे का नाम। विकास दुबे को जानने वाले लोगों का यही कहना था कि वो बचपन से ही बेहद खूंखार था। 14 साल की उम्र में विकास अपने स्कूल तमंचा लेकर जाता था। उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी उससे जितना खौफ खाते थे, उतना ही खौफ उसका अपने स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर भी था। एक बार की बात है जब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने विकास दुबे को तमंचा लाने पर डांटा था और पिटाई करी थी, तो उसके बाद विकास दुबे ने अपने शिक्षक को बीच रास्ते में ही रोककर उन्हें धमकी दी थी। काफ़ी अरसे तक विकास दुबे रसूलाबाद में रेडियो ठीक करने की दुकान चलाता रहा। जब उसके चाचा ने उसकी संगीन हरकतों के बारे में सुना तो उसे वापस उसके गांव भेज दिया। साल 1999 में उसने झुन्ना बाबा की मृत्यु करी और उनकी ज़मीन हड़प ली। साल 2000 में विकास दुबे ने अपने स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल की हत्या कर दी। साल 2001 में शिवली कोतावली के अंदर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में विकास दुबे मीडिया और पुलिस की नज़र में उछला। हालांकि उस वक्त गवाह ना होने की वजह से विकास दुबे को रिहा कर दिया गया, और यही वो पल था जब उसे हौसला मिला और उसने अपने इस जुर्म के कारोबार को और आगे बढ़ाया। विकास दुबे सन 1990 से साल 2020 तक अपने इस जुर्म की दुनिया में काम करता रहा, और इन 30 सालों में उसके ऊपर 62 क्रिमिनल केसेस, 5 मर्डर केसेस और 8 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस लग चुके हैं। अपनी जुर्म की दुनिया को बढ़ावा देने के साथ ही साथ विकास दुबे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ अपनी साझेदारी करता रहा, ताकि उसके ऊपर यदि कोई इल्ज़ाम भी लगे तो वो पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू बच सके। लेकिन कुछ दिनों पहले कानपुर हत्याकांड के बाद उसका बचना नामुमकिन था। 3 जुलाई को कानपुर हत्याकांड के बाद 7 जुलाई को फरीदाबाद में उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन 9 जुलाई को उसे उज्जैन से पकड़ा गया। और आज 10 जुलाई को कानपुर ले जाते हुए रास्ते में उसने भागने की कोशिश करी और एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या ये एनकाउंटर सही था या फेक था, क्योंकि कई सवाल पुलिस के ऊपर भी उठ रहे हैं। जैसे कि पुलिस के पीछे मीडिया कर्मी थे, लेकिन कुछ दूर पहले ही उन्हें रोक दिया गया था। ये कितने बजे से चल रहा है? पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है इसमें कारण? पत्रकार नहीं रोके, पत्रकारों को रोका क्यों नहीं गया? नहीं, आप लोगों ने रोका इसलिए है, कहीं ना कहीं तो आप जा सकते हैं भाई, आपको किसी ने नहीं रोका। जान बूझ कर क्यों रोका गया है? क्यों प्राइवेट, अभी तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चेक हो रही थी? चेकिंग की जा रही है पहले से, यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे परमानेंट रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। इसके पहले नहीं था, हम लोग कई चक्कर अभी आज यहाँ निकल चुके हैं। ये चेकिंग यहाँ पे प्रॉपर, इस पे रायपुर बैरियर हमेशा चेकिंग होती है। इसी तौर पे मीडिया को क्यों रोका गया? नहीं रोका नहीं गया, बिल्कुल मीडिया को रोका गया, मीडिया को रोका गया। साथ ही साथ जिस काफिले में विकास दुबे जा रहा था, सिर्फ उसी की गाड़ी क्यों पलटी, और इतने खतरनाक और खूंखार गैंगस्टर के हाथ क्यों खुले हुए थे? यदि उसने भागने की कोशिश करी तो उसके पैरों पर गोली क्यों नहीं मारी गई, सीने पर क्यों मारी गई? यूपी पुलिस ने विकास दुबे को अपनी ट्रांसिट रिमांड में क्यों नहीं लिया? पुलिस कर्मियों ने हथियार अपने क्यों नहीं संभाले हुए थे? उसे जिंदा दबोचने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सभी सवाल विकास दुबे के एनकाउंटर पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। लेकिन
फिलहाल जन भावना यही है कि ऐसे गैंगस्टर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए हर कोई इस वक्त पुलिस की तारीफ कर रहा है। जैसे कि हैदराबाद में उन रेपिस्ट के एनकाउंटर किलिंग के समय में लोगों ने पुलिस का साथ दिया था। विकास दुबे की मृत्यु के बाद कई बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों ने ट्वीट किए, मीडिया के सामने अपने सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये गाड़ी फिसली है यूपी की सरकार को बचाने के लिए, तो वहीं मायावती ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल आप देख रहे हैं हाउ इंडी न्यूज़ चैनल और आप बने रहिए हमारे साथ देश जगत की खबरें जानने के लिए। धन्यवाद।